ओके हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं जेसीपी ट्रेनिंग डे 9। ओके सो एज यूजुअल जैसा हम करते हैं, सबसे पहले एक क्विक रिकैप करेंगे लास्ट डे हमने क्या पढ़ा था, देन देखेंगे कि हमने आज क्या पढ़ना है। राइट, तो क्विक रिकैप में चलो तुम लोग जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या पढ़े थे लास्ट डे हमने। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था क्लाउड फंक्शन, राइट। दूसरा हमने पढ़ा था क्लाउड रन, राइट। ओके सो तुम लोग बताओ क्लाउड फंक्शन कब यूज करना है और क्लाउड रन कब यूज करना है। क्लाउड फंक्शन हमने तब यूज करना है जब हमारे पास स्क्रिप्ट, मतलब एक तरह का कोड होगा, स्क्रिप्ट होगी, और हमें उसको बस डिपेंडेंट बता देना है कि डिपेंडेंसी ये है कि जावा का कोड है और उसके डिपेंडेंसी पैक करके वो करके मतलब हमें डाल देना है, तो वो अपने आप चला देगा। और क्लाउड रन हमें तब यूज करना है जब हमारे को बस माइक्रो सर्विसेज टाइप चीजें है, लाइक कंटेनर्स बेसिकली, राइट। तो यहाँ पर क्या रहता है, ये कोड का स्निपेट हो हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास रहता है कंटेनर, राइट। ये मे बी मोस्टली जो है वो सिंगल पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, राइट। और जो हमारा ये होता है क्लाउड रन, उसको हम लोग मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, या माइक्रो सर्विस बना रहे हैं जहाँ पर ऑथेंटिकेशन वैलिडेशन वगैरह चीजें हो रही है बहुत सारी, राइट। तो ये चीजें हम यूजिंग क्लाउड रन कर सकते हैं। बट कुछ कॉमन चीजें हैं इन दोनों में, राइट। वो कॉमन चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले चीज, दोनों क्या है? सर्वरलेस, राइट। अभी सर्वरलेस का मतलब क्या होता है बताओ? जिसमें हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता कि हमें इतना सीपीयू, इतनी स्टोरेज, लाइक दिस टाइप ऑफ। ओके, नो नीड टू प्रोविजन रिसोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वरलेस, राइट। तो ये हो गया हमारा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर कौन कौन से सर्वरलेस ऑफरिंग्स अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में अपने माइक्रो सर्विसेस वगैरह डिप्लॉय कर सकते हैं। यहाँ पर ऐप इंजन भी आता है एज अ पास सर्विस, राइट। तो ये हमारा था FaaS सर्विस, समझ में आया क्या? FaaS सर्विस मतलब फंक्शन एज ए सर्विस। फंक्शन क्या होते हैं? इवेंट ड्रिवन होते हैं, राइट। कोई इवेंट होगा तो ये फंक्शंस इन्वॉक होंगे और वो अपना टास्क करेंगे, देन डन हो गया, राइट। और कॉस्ट सेविंग के बेसिस पे अगर हम देखें ना, तो फंक्शन एज अ सर्विस ऑफरिंग्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, मतलब सबसे सस्ते बोलना चाहिए, राइट। तो मोस्टली जो कंपनीज होती है या छोटे स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं ना, वो प्रेफर करते हैं, या लोग जब API वगैरह बनाते हैं, उन्होंने बताया था लास्ट क्लास में, राइट। तो उसके लिए भी हम सर्वरलेस फंक्शन एज अ सर्विसेस ही यूज करते हैं। ओके तो ये तो हमारा हो गया सर्वरलेस, लास्ट डे हमने ये सारी चीजें की थी, इसका डेमो भी देखा था, राइट। बट आज क्या, तो लास्ट डे मैंने तुम्हें जब क्लाउड रन पढ़ाया था, तुम्हें एक चीज बताई थी कि क्लाउड रन के थ्रू हम कंटेनर्स डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट, है ना। और कंटेनर्स क्या होते हैं बेसिकली, बोलो? इसमें दो कॉम्पोनेंट होते हैं, पहली चीज कोड प्लस डिपेंडेंसी, एप्लीकेशन या कोड प्लस उसकी डिपेंडेंसी, राइट। तो ये होता है हमारा बेसिकली कंटेनर्स। अब मैं बताया था तुम्हें माइक्रो सर्विस जब आर्किटेक्चर होता है, तो हमारा जो होल आर्किटेक्चर होता है, मतलब ये हमारा एक एप्लीकेशन होगा, ये हमारा एक माइक्रो सर्विस, ये माइक्रो सर्विस, ये माइक्रो सर्विस, ये माइक्रो सर्विस, बहुत सारे माइक्रो सर्विस, और ये माइक्रो सर्विसेस आपस में कैसे करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, राइट। इधर से ये इससे कम्युनिकेट करेगा, ये इससे कम्युनिकेट करेगा, तब जाके ये जो पूरा होल होता है, राइट, ये होल एज अ एंड एप्लीकेशन हमें मिलता है, है ना। बट यहाँ पर अगर तुम सोचो कि अगर मैं क्लाउड रन के थ्रू जाऊंगा, तो मेरे पास एक क्लाउड रन डिप्लॉयमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांच है, राइट। अब क्या हुआ कि कोई भी माइक्रो सर्विस या कोई भी एप्लीकेशन जो रहेगा, राइट, उसमें अगर कहीं पे भी कोई इशू होता है, मतलब अगर इसमें कुछ इशू हो गया या फिर इसमें कुछ इशू हो गया, तो मेरे को वापस से ये जो क्लाउड रन का डिप्लॉयमेंट है, राइट, ये क्या है, ईच एक एक जो ब्लॉक है वो हमारा क्लाउड रन डिप्लॉयमेंट है, मतलब मैंने एक क्लाउड रन के थ्रू एक एक माइक्रो सर्विस को यहाँ डिप्लॉय कर रखा है, राइट। बट अगर सपोज क्या हो गया, कोई इमेज में प्रॉब्लम आ गया, है ना, या फिर कुछ ऑथेंटिकेशन या फिर कुछ इस इमेज के अंदर इश्यू आ गया, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली जाके या फिर CI/CD के थ्रू इस पर्टिकुलर जो क्लाउड रन डिप्लॉयमेंट है उसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। सपोज क्या हुआ, मेरा जो एक डेवलपर था, उसने क्या किया, एक नया इमेज क्रिएट किया,
क्या किया, कंटेनर इमेज क्रिएट किया, जो कि बेसिकली ये है जिसको हम लोग कंटेनर अभी रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इमेज क्रिएट किया और उसमें ना सपोज कुछ इशू था, वो उसने डिप्लॉय किया इधर, है ना। अब डिप्लॉय किया, उसमें कुछ इशू आया तो इसको रोल बैक करना पड़ेगा, तो वापस उस स्टेट में लाना पड़ेगा प्रीवियस वाले इमेज के लिए, राइट। अब ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड केस ऐसा हो गया कि कभी कभी कैसे इसमें अगर कुछ इशू आ गया तो हमें मैन्युअली जाके उसको हैंडल करना पड़ेगा चीजों को, और अगर नया कॉन्फ़िगरेशन भी अप्लाई करना है तो भी सीआईसीडी के थ्रू भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो लोगों को ना, मतलब अगर मैं यहाँ तो सिर्फ 5 माइक्रो सर्विस की बात कर रहा हूँ, कंपनीज में कैसा होता है 30s, 40s, 50s ऑफ माइक्रो सर्विसेस होते हैं, कभी कभी तो 80+, 100+ माइक्रो सर्विसेस होते हैं, वो सारे माइक्रो सर्विस आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, राइट। और ऐसे अगर मैं क्लाउड रन के थ्रू जाऊंगा तो मुझे हंड्रेड्स ऑफ क्लाउड रन डिप्लॉयमेंट करने पड़ेंगे, सही है कि नहीं, है ना। हंड्रेड्स ऑफ क्लाउड रन डिप्लॉयमेंट करने पड़ेंगे, तब जाके मेरा पूरा होल एंड टू एंड सेटअप जो रहेगा मेरे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर एप्लीकेशन का, वो मेरा वर्क करेगा, राइट। तो ये फिजिबल है क्या कि मैं जाके 100 डिप्लॉयमेंट्स करूं? कभी कभी कैसा होता है, एक जो स्मॉल माइक्रो सर्विस रहता है उसका हम लोग रेप्लिका बना के रखते हैं एचए के लिए, या फिर डिजास्टर रिकवरी के लिए, है ना, या फिर हाई परफॉर्मेंस के लिए। तो मेरा सेम जो एप्लीकेशन होगा, सेम जो इमेज होगा, कंटेनर होगा, उसका मैंने 3 रेप्लिका बना के रखा है, राइट। तो इसके लिए मुझे 3 अलग से क्लाउड रन डिप्लॉयमेंट करने पड़ेंगे। कुछ सेंस बन रहा है इसका? इससे क्या हो रहा है, तुम्हारे जो मैनेजेबिलिटी है, तुम्हारा जो ह्यूमन एफर्ट्स है, राइट, वो ज्यादा बढ़ रहा है, यू नो, समझ में आ रही है ये चीज क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। यस यस, ओके। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए एक और सोल्यूशन अवेलेबल है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसके अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल है, बट ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसको बोलते हैं हम लोग K8S, फुल फॉर्म है इसका Kubernetes, तुम लोग सुने भी होगे, बहुत जगह सुने होगे, राइट, Kubernetes। तो कंटेनर डिप्लॉयमेंट, कंटेनर मैनेजमेंट, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन, इसके लिए मार्केट में अगर सबसे पॉपुलर कोई टूल अवेलेबल है और सबसे पावरफुल टूल कोई अगर अवेलेबल है, देन दैट इज Kubernetes, और इसी का मैनेज्ड वर्जन, ठीक है, इसी का मैनेज्ड वर्जन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं GKE, गूगल Kubernetes इंजन, ठीक है। पहले इसको कंटेनर इंजन बोलते थे 2019 से पहले, फिर इसका नाम चेंज करके तुम लोगों को दिया गया गूगल Kubernetes इंजन। तो अभी भी अगर तुम जी क्लाउड के थ्रू कोई क्लस्टर बना रहे होगे, बताऊंगा क्लस्टर क्या होता है, तो वहां पर भी जो तुम मतलब कमांड में यूज करते हो ना, वहां पर तुम कंटेनर यूज करते हो, जो कि उसका प्रीवियस नेम था, ठीक है। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि Kubernetes क्यों आया और क्यों है यहाँ पे, राइट। तो तुम्हें एक चीज समझ में आई यहाँ पर, जब हम ऊपर प्रॉब्लम की बात कर रहे थे कि भाई अगर मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो सर्विसेस अवेलेबल हैं या बहुत ज्यादा माइक्रो सर्विस अवेलेबल हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, है ना, उनको मैं स्केल कैसे करूंगा। रुको, सबसे पहले पहली चीज कम्युनिकेशन, पहला इशू क्या है, कम्युनिकेशन। अब अगर तुमने हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो सर्विस बना रखी है तो तुम लोगों को एप्लीकेशन के अंदर ये चीज इंटीग्रेट करनी पड़ेगी कि भाई ये माइक्रो सर्विस इस पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस के साथ इंटरैक्ट करे, ये तुम्हें खुद से डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। तो ये पर्टिकुलर जो क्लाउड रन डिप्लॉयमेंट था, ये क्लाउड रन डिप्लॉयमेंट से इंटरनली कैसे कम्युनिकेट करेगा, ये तुम्हें खुद से डिफाइन करना है, राइट। सेकेंड थिंग, तुम रेप्लिका अगर बनाते हो तो भी, मतलब एक ही कंटेनर इमेज है, उसके बहुत सारे इमेजेस, ठीक है, वो सारे इमेजेस रेप्लिका जब तुम बनाओगे तो ये भी जाके मैन्युअली करना पड़ेगा या फिर सीआईसीडी के थ्रू भी करोगे, बट यहाँ पर ह्यूमन एफर्ट्स लगेगा बहुत ज्यादा, राइट। तो ये भी इशू हो गया। थर्ड थिंग क्या था कि इनकेस अगर कोई इशू होता है या फिर तुम्हें ऑल द टाइम उस पर्टिकुलर जो तुम्हारा कंटेनर इमेज था वो उसका हेल्थ स्टेटस चेक करना, उसमें कोई इश्यू तो नहीं है, उसके लॉग्स, उसकी वल्नरेबिलिटी वगैरह, उसके अंदर सीक्रेट्स पास करना, सर्विस अकाउंट्स कैसे यूज होंगे, ये सारी जो चीजें थी वो सारी चीजें तुम्हें हैंडल करनी है बाय मैन्युअली अगर तुम क्लाउड रन के साथ जाते हो। सर्वरलेस है, कॉस्ट इफेक्टिव है, वी नो, बट बहुत ज्यादा
मैनुअल एफर्ट्स लगते हैं, राइट, बट इंडस्ट्री में इतना टाइम किसी के पास नहीं है, और लोग चाहते हैं ऐसा कोई सोल्यूशन हो जो वो इजिली अडॉप्ट कर सके, कोई नया बंदा भी आता है तो वो इजिली सीख के उसको कर सके, राइट. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन अवेलेबल है, एंड दैट सोल्यूशन इज क्यूबरनेटीज, राइट. तो क्यूबरनेटीज बेसिकली एक तरह का, इसको एक वर्ड बोलते हैं, ऑर्केस्ट्रेशन, ठीक है, ऑर्केस्ट्रेशन. यहां पर क्या होता है पता है क्या, यहां पर होता है तुम्हारा मैनेजमेंट आता है, ठीक है, मैनेजमेंट, तुम्हारा होता है क्रिएशन, डिलीशन. तो जितना भी चीज तुम करते हो रिलेटेड टू कोई भी एप्लीकेशन, मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्ट से देख लो, उसका क्रिएशन, डिप्लॉयमेंट, मैनेजेबिलिटी, हैंडल करना सिचुएशंस वगैरह, सारी चीजें, तो वो सारी चीजें इस ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर आती है, और वो सारा काम तुम्हारे लिए करके देता है क्यूबरनेटीज, ठीक है. तो बेसिकली अगर मैंने बोला कि सबसे पहली चीज तो ये कम्युनिकेशन को हैंडल करता है, तो तुम्हारा जो नेटवर्क कॉन्फिगरेशन है कि एक पॉड दूसरे पॉड के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, ये भी कौन हैंडल करेगा, तुम्हारा क्यूबरनेटीज हैंडल करेगा. इसमें नंबर ऑफ रेप्लिकास वगैरह तुम्हें बनाने हैं तो उसके लिए भी वो ऑटोमेटिकली, तुम जस्ट अप्लाई करो, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए रेप्लिका बना के देगा, ये भी काम करता है K8S. अब मैन्युअली क्या है, क्रिएशन हो गया, डिलीशन हो गया, और हमने बोला है अगर कि भाई चार जो कंटेनर इमेजेस हैं ऑल द टाइम रनिंग स्टेट में होने चाहिए, इसको हैंडल करना कि भाई होने ही चाहिए, ये स्टेट को रखना ही है, मतलब कैसे बोलते हैं कि लाइक अगर ऐसा हो गया कि तुम चाहते हो कि ऑल द टाइम जो पर्टिकुलर स्टेट मैंने रखा है, जैसे होता है ना कि कैसे बोलूं मैं, कोई लाइट है, लाइट का हम स्विच का बटन दबाते हैं तो ऑल द टाइम हमारा जो लाइट है वो ऑल द टाइम ऑन रहता है, राइट, मतलब वो उस करंट स्टेट को संभाल के रखा है ना, जब तक हम उसमें कुछ मैनुअली जाके चीजें चेंज नहीं करते. तो इन द सेम मैनर जो भी स्टेट या फिर जो भी कंटेनर इमेज के साथ होना है वो हम पहले से डिसाइड करके क्यूबरनेटीज को बता देते हैं, और क्यूबरनेटीज ऑटोमेटिकली उस चीज को हैंडल करके रखता है जब तक हम ह्यूमन इंटरवेंशन के थ्रू या फिर कुछ पर्टिकुलर CI/CD के थ्रू कुछ भी चेंजेस के लिए रिक्वेस्ट नहीं डालते. तो ये सारी जो चीजें हैं वो हैंडल करता है हमारा K8S. अब तुम लोगों को क्लियर हुआ कि क्लाउड रन एक बहुत अच्छी सर्विस है, राइट, बट उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स है बेस्ड ऑन यूज केसेस. कुछ यूज केसेस में क्यूबरनेटीज में ड्रॉबैक्स है, कुछ यूज केसेस में क्लाउड रन में ड्रॉबैक्स है, राइट. तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव सर्विसेस, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अवेलेबल है. तो बेस्ड ऑन यूज केस तुम क्लाउड रन भी यूज करोगे कभी, बेस्ड ऑन यूज केस तुम क्यूबरनेटीज भी यूज करोगे. बट जो चीजें क्लाउड रन में अवेलेबल नहीं थी वो अभी K8S में अवेलेबल है, क्यूबरनेटीज में अवेलेबल है, और इसी का मैनेज वर्जन है हमारा गूगल क्यूबरनेटीज इंजन, ठीक है. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्लियर है ना यहां तक, ठीक, बढ़िया, ठीक है, यहां तक हम क्लियर हो गए. अब समझते हैं K8S आया कहां से. बेसिकली ना तुम लोग एक बात सोचो कि जो हमारे डेटा सेंटर्स होते हैं वहां भी कुछ इस तरह का यूज केस नहीं होता क्या कि लोग कुछ नंबर ऑफ CPUs, नंबर ऑफ मेमोरीज रिक्वेस्ट करते हैं और हमारे पास डेटा सेंटर में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड CPU अवेलेबल है, राइट. उसमें से कोई स्पेसिफिक जो पार्ट रहता है वो हम एक रिस्पेक्टिव यूजर को दे देते हैं, है ना. तो अभी सोचो हमारे पास बहुत ज्यादा यूजर्स हैं, राइट, बहुत बहुत सारे यूजर्स अवेलेबल हैं और वो सारे यूजर्स हमारे जो डेटा सेंटर था वहां से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है, ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है. तो हम क्या कर रहे हैं, बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट, API रिक्वेस्ट बेसिकली, हम क्या करते हैं पर्टिकुलर यूजर को उतना अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड CPU, है ना, उनके एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. तो सेम कंसेप्ट जो था ना गूगल अपने इंटरनली डेटा सेंटर्स को मैनेज करने के लिए यूज करती थी, अभी भी करती है, राइट. और इसी का एक शॉर्टेस्ट फॉर्म उन्होंने बनाया, मतलब एक प्रोजेक्ट था इनका बॉर्ग नाम का, क्या था, बॉर्ग. ये गूगल, ये कुबरनेटिस का नेटिव प्रोजेक्ट है बोलना चाहिए, यही है इनिशियल स्टेज, ठीक है. तो बॉर्ग प्रोजेक्ट वो लोग यूज करते थे अपने डेटा सेंटर्स को मैनेज करने के लिए. इस तरह के एनवायरमेंट्स में बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, उसमें से पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट के रिसोर्स थे वो पर्टिकुलर यूजर को हम कैसे प्रोवाइड करें, राइट.
इसका सोल्यूशन था बॉग, वो लोग यूज करते थे। तो इसी का एक प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है ना, इसी का एक शॉर्ट फॉर्म उन्होंने बनाया बेसिकली बॉग। तो उसी को इन्होंने क्या किया, थोड़े टाइम के बाद CNCF एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन, जो कि जितने भी पॉपुलर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, जैसे कि तुम K8S को ले लो, राइट, जेनकिंस ले लो, ग्रफाना ले लो, है ना। तो ये सारे जो अभी इन्होंने दिया, तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स थे, कैसा होता है ओपन सोर्स में अगर कोई प्रोजेक्ट रहता है तो उसमें कम्युनिटी वर्क करती है और वो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा ग्रो होता है, एज कम्पेयर टू अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंडर कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें उस कंपनी के पर्टिकुलर एम्प्लॉयज ही काम करेंगे। बट अगर कोई प्रोजेक्ट ओपन सोर्स होता है, राइट, तो कम्युनिटी के लोग उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे अपने व्यूज डालते हैं, उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं और वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से ग्रो होता है, ठीक है। इसके लिए क्या किया, जो गूगल ने अपना जो बॉग प्रोजेक्ट था, जिसको K8S भी बोलते, K8S हुआ बाद में वो, इसको हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, इसको उन्होंने दे दिया CNCF को, जो कि जितने भी पॉपुलर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हैं उनको हैंडल करती है या उनको मैनेज करती है, उसके अंडर ही सारे ओपन सोर्स पॉपुलर होते हैं, राइट। तो उन्होंने दे दिया K8S को ओपन सोर्स में। अब क्या हुआ, ओपन सोर्स मिल गया तो इसमें कम्युनिटी अपने हिसाब से काम कर सकती है, इसीलिए आज हमारा जो Kubernetes है वो इतना ज्यादा एडवांस है, ठीक है। और इसी का मैनेज वर्जन गूगल अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म में करती है, दैट इज GKE, गूगल Kubernetes इंजन। अब हम समझते हैं कि हमें ये चीज समझ में आ गया कि क्लाउड रन से Kubernetes में क्यों स्विच होना है, राइट। अब जो चीजें मैंने फंक्शनैलिटीज बताई, नेटवर्किंग का हो गया, मैनेजेबिलिटी का हो गया, क्रिएशन हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया, रेप्लिका हो गया, है ना, ये चीजें Kubernetes आखिर करता कैसे है, है ना। इंटरनली कुछ तो मैकेनिज्म चलता होगा, कुछ तो आर्किटेक्चर वो फॉलो करता होगा जिसके थ्रू वो ये सारी चीजें परफॉर्म कर पाता है ना। तो वो समझते हैं, क्लियर है यहां तक। कभी अगर टाइम मिले तो CNCF के पेज पे जाना, और या किसी को ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट करने का अगर है थोड़ा सा, है ना, तो जाओ देखो कौन कौन से ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, देखो उसमें से इश्यूज वाले सेक्शन में किसमें तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो, एंड जस्ट गो एंड डू इट। एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है तुम्हारे रेज्यूमे में कि तुमने ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन भी किया है, ओके, सो जस्ट गो एंड डू इट। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं हम लोग Kubernetes। तो Kubernetes क्लियर हो गया तुम्हारा, क्या है ये, एक बेसिकली कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल बोलो इसको, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल, ठीक है हमारा Kubernetes। अब मैंने ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब तुम्हें बता दिया कि भाई मैनेजेबिलिटी आ गया, क्रिएशन, डिलीशन, हैंडलिंग वगैरह सारी चीजें ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर आती है, ओके। तो कंटेनर्स के साथ ये ऑर्केस्ट्रेशन का के टास्क अगर वो परफॉर्म कर रहा है, देन दैट इज Kubernetes, ओके। अभी क्या है, Kubernetes जो ये ऑर्केस्ट्रेशन के टास्क है वो बेसिकली करता कैसे है, तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं इसका बेसिक अंडरलाइन आर्किटेक्चर, कि इंटरनली Kubernetes बना कैसे है। तो अगर मैं Kubernetes को देखूंगा ना इंटरनली, तो Kubernetes में दो पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल प्लेन, क्या बोलते हैं, कंट्रोल प्लेन, ठीक है। और बेसिकली ये हमारा होता है वर्कर, कंट्रोल प्लेन बोलो इसको, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग वर्कर नोड, ठीक है, या फिर नोड कंपोनेंट्स बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हो गया हमारा नोड प्लेन, ठीक है, दो चीजें हो गई, एक होता है कंट्रोल प्लेन, दूसरा होता है नोड प्लेन। अब कंट्रोल प्लेन नाम से ही समझ में आता है तुम्हें कि कुछ तो होगा जो कंट्रोलिंग का टास्क करेगा, राइट, दिमाग में आ रहा है कुछ चीजें, है ना। और नोड प्लेन है, या फिर इसको स्लेव प्लेन भी बोल सकते हो, स्लेव भी बोल सकते हो, राइट। तो बेसिकली जो कंट्रोल प्लेन होता है, राइट, इसमें कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिनके थ्रू जो भी ये ऑर्केस्ट्रेशन के टास्क है उसको हैंडलिंग का काम हम करते हैं, हम नहीं करते, Kubernetes करता है, हम उसको बताते हैं क्या करने का, राइट। हैंडलिंग के जो टास्क है वो कौन करता है, हमारा Kubernetes अपने कंट्रोल प्लेन के कंपोनेंट्स के थ्रू करता है। तो अगर मैं कंपोनेंट कंट्रोल प्लेन को ही देखूं तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है दैट इज API सर्वर,
क्या होता है एपीआई सर्वर, ये पहला कंपोनेंट होता है। दूसरा कंपोनेंट होता है हमारा ईटीसीटी, ये एक तरह का डेटाबेस है। जब तुम लोग लिनक्स के साथ फैमिलियर हो गए तो तुम्हें पता होगा ये जो ईटीसीडी रहता है ना तुम्हारे लिनक्स में भी अवेलेबल रहता है, कभी एक्सप्लोर करना ठीक है, या फिर सर्च करना अब ईटीसीडी इन लिनक्स, बेसिकली एक तरह का डेटाबेस है ये। ओके, अगला जो कंपोनेंट आता है दैट इज शेड्यूलर। ओके, और एक और कंपोनेंट इसमें होता है दैट इज क्यूब कॉन्फिग कंट्रोलर, या फिर तुम लोग इसको बोलते हैं कंट्रोलर मैनेजर भी बोल सकते हो, या फिर कंट्रोलर सिर्फ बोलो, कंट्रोलर ही बोलते हैं। तो देखो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट अवेलेबल है, फर्स्ट कंपोनेंट इज एपीआई सर्वर, सेकंड कंपोनेंट इज ईटीसीडी, थर्ड है तुम्हारा शेड्यूलर, और लास्ट है तुम्हारा कंट्रोलर जो कि सारी चीजें हैंडल करने वाला। तो हर एक कंपोनेंट का अपना एक यूज केस है। अब मैंने बोला कि के ए टेस्ट जो है वो ऑर्केस्ट्रेशन का सारा काम जो है वो खुद हैंडल करता है, राइट? अब खुद हैंडल करता है, बट हमें कुछ तो ऐसा कुछ चाहिए जिसके थ्रू हम क्यूबरनेटिस के से इंटरैक्ट कर सकें, राइट? क्यूबरनेटिस से मुझे क्या करना है, इंटरैक्ट करना है। उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा इमेज डिप्लॉय करना है या फिर कौन सा इमेज मैं यूज करने वाला हूँ, राइट? तो ये जो सारा इंफॉर्मेशन होता है वो कोई भी यूजर हो गया या फिर कोई, वो किसके थ्रू देता है, यूजिंग द एपीआई सर्वर, ठीक है? तो कोई भी जो यूजर होता है एंड यूजर, राइट, जो भी क्यूबरनेटिस यूज करने वाला है, वो यूजर क्या करता है, हमारे एपीआई सर्वर से इंटरैक्ट करता है क्यूबरनेटिस का। तो तुम लोग अगर थोड़ा भी आइडिया होगा तो हम लोग क्या करते हैं पता है, क्यूबरनेटिस में यामल सप्लाई करते हैं। कभी सुना है ये चीज, यामल स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, ये अमल में हमने जो जो नीड होती है वो सब हम ऐड करते हैं, राइट? हाँ, तो जैसे कि कैसा है कि मुझे बताना है क्यूबरनेटिस को कि मुझे कौन सा कंटेनर डिप्लॉय करना है, राइट? उसको बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी और सीपीयू उसके लिए एलोकेट करना है, या फिर उसको बताना है कि कितने नंबर ऑफ रेप्लिकास रहने वाले हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू मेरे डिप्लॉयमेंट, हम क्या करेंगे, यामल्स के थ्रू इसको देते हैं, किसको देते हैं, एपीआई सर्वर को। जरूरी नहीं सिर्फ यामल हो, हम लोग कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, कुछ क्यूबसीटीएल यूटिलिटीज वगैरह होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, तो उनके थ्रू जो यूजर होता है, या फिर यहाँ पर क्यूबसीटीएल भी डाल दे रहा हूँ, सॉरी एक मिनट ना। ओके, यहाँ पर क्या हो सकता है, क्यूबसीटीएल एक यूटिलिटी है जिसके थ्रू हम क्यूबरनेटिस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम चाहते हैं वो सारा कॉन्फ़िगरेशन कोई भी यूजर जो रहता है वो सबसे पहले देता है एपीआई सर्वर को, ठीक है? अब एपीआई सर्वर को के पास से इंटरेक्ट करता है, उसको कॉन्फ़िगरेशन देता है, राइट? अब वो कॉन्फ़िगरेशन मिल गया इसको, अब क्या होता है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये देता है हमारे कंट्रोलर को। तो कंट्रोलर बोलता है ओके, हमें कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, अब हमें इसको डिप्लॉय करना है, जो रिक्वायरमेंट्स मैंने भेजी है, यूजर ने भेजा है, उसको मुझे डिप्लॉय करना है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली कंट्रोलर शेड्यूलर को बोलेगा ओके भाई तुम ये रिक्वायरमेंट है हमारी, इतने नंबर ऑफ जो कंटेनर इमेजेस है वो हमें डिप्लॉय करने हैं, तो तुम शेड्यूल कर दो उनको, ठीक है? तो शेड्यूलर का काम क्या है, शेड्यूल करना, और उसके बाद शेड्यूल करने के बाद जो स्टेट होता है उसका कि हाँ इसके जो डिजायर्ड वो है, इस सिचुएशन है या डिजायर्ड जो स्टेट है वो सेव होता है हमारे ईटीसीडी में। अगर मैंने बोला है कि चार कंटेनर्स एट अ टाइम दिखने चाहिए हमें डिप्लॉयड, तो वो एक्चुअल में उतने नंबर ऑफ डिप्लॉयड है क्या, तीन तो नहीं है, ये जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो सारा इंफॉर्मेशन हम ईटीसीडी में स्टोर करते हैं। फ्लो समझ में आया? सबसे पहले यूजर ने क्या किया, एपीआई सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा कि भाई मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, इतना चाहिए, राइट? इसको डिप्लॉय कर दो। देन एपीआई सर्वर ने वो रिक्वेस्ट भेजी कंट्रोलर को कि देखिए सर आप करिए आगे का काम, राइट? अब कंट्रोलर क्या करेगा, शेड्यूलर को बोलेगा कि तुम शेड्यूल करो ये सारे जो डिप्लॉयमेंट्स है उसको हमें डिप्लॉय करना है, और डिप्लॉय करने के बाद जो उसका स्टेट है वो भी मेंटेन रहना चाहिए, राइट? कि ऑल द टाइम हमने यूजर ने जो भी बोला है कि चार एट अ टाइम कंटेनर्स रनिंग स्टेट में होने चाहिए, ये इसका इंफॉर्मेशन जो है वो ईटीसीडी रखता है अपने पास, ताकि वो
कंट्रोलर को रिपोर्ट कर सके कि सर इसका स्टेट अभी सही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई मिसकंसेप्शन या फिर कुछ चेंजेस दिखें कि यूजर ने बोला है चार, हमें दिख रहा है तीन, ATCD में तीन दिख रहा है वो, तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा कंट्रोलर को कि सर मेरे को तीन दिख रहा है, चार होने चाहिए। तो फिर कंट्रोलर उससे कंपेयर करेगा उसके YAML से कि हाँ एक्चुअल में चार होने चाहिए थे, तीन दिख रहे हैं, फिर से शेड्यूलर को बोलेगा कि चौथा वे स्पिन अप करो। तो इस तरह से इंटरनली जो क्यूबरनेटीज है राइट, उसका जो कंट्रोल प्लेन वाला सिस्टम है वो वर्क करता है। क्लियर है इतना? स्टोरी की तरह देखो, समझ में आ रहा है? यस अभिषेक। ओके बढ़िया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये तो हमारा हो गया कंट्रोल प्लेन वाला चीज राइट। ओके, इसके बाद क्या होता है, इसको हम लोग मास्टर भी बोलते हैं, मास्टर प्लेन, ठीक है। नीचे आता है हमारे, जहां पर एक्चुअल जो हमारा एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय होता है इन द फॉर्म ऑफ पॉड्स, इन द फॉर्म ऑफ पॉड्स। अब बेसिकली ये पॉड क्या होता है राइट, थोड़ा सा एडवांस जाते हैं हम इससे, क्या बोलते हैं तुम्हारा ये कंटेनर से। देखो अभी क्या होता है कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि कंटेनर्स होते हैं राइट, क्या होते हैं कंटेनर्स राइट। कंटेनर से बेसिकली क्या है, दो कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट इज एप्लीकेशन, उसकी डिपेंडेंसी, ये होता है हमारा कंटेनर राइट। और कंटेनर्स के थ्रू तुम्हें पता है कितनी फिजिबिलिटी मिलती है कि हम इसको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में लाइक नॉट डिपेंडिंग अपॉन द बेस इंफ्रास्ट्रक्चर, मैक हो, विंडोज हो, लिनक्स हो, रिगार्डलेस ऑफ अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, हम कोई भी कंटेनर किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं राइट। तो ये चीजें हो गई कंटेनर से रिलेटेड। बट अगर मैं पॉड बोलूं, पॉड इज क्या है, पॉड इज द बेसिकली यही पॉड जो है क्यूबरनेटीज का सबसे जो लोएस्ट मैनेजेबल यूनिट है। अगर मैं क्लाउड रन डिप्लॉय कर रहा हूं तो उसके लिए मैनेजेबिलिटी मैनेजेबल सबसे लोएस्ट जो मैनेजेबल यूनिट है दैट इज कंटेनर्स। बेसिकली वो अंडरलाइन में कंटेनर्स हैंडल करता है। बट क्यूबरनेटीज जो है वो कंटेनर्स हैंडल नहीं करता, वो हैंडल करता है पॉड। और पॉड इज द कलेक्शन, बोल सकते हो तुम कलेक्शन ऑफ कंटेनर्स। पॉड क्या है, कलेक्शन ऑफ कंटेनर्स। क्लियर है ये चीज? यहां पर जरूरी नहीं कि एक पॉड के अंदर एक ही कंटेनर होगा या एक से ज्यादा भी कंटेनर्स हो सकते हैं। तो बेसिकली तुम क्या बोलोगे, पॉड इज अ कलेक्शन ऑफ कंटेनर्स। बेसिकली होमोजीनियस टाइप के कंटेनर्स को हम एक पॉड में रखते हैं। जैसे कि कैसा फ्रंट एंड है, जैसे मैंने यूज केस बताया ना कि जब पॉड हम रन करते हैं तो एक इमेज है, दूसरा इमेज इसके साथ ही इंटरेक्ट कर रहा है, फ्रंट एंड का ही हाफ पार्ट है, फ्रंट एंड का ही हाफ पार्ट है। तो ये जो तीन इमेजेस हैं, मतलब फ्रंट एंड पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, इन तीनों को एक ही पॉड में डाल दिया राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये कलेक्शन ऑफ कंटेनर्स है और ये पॉड है, और ये होमोजीनियस टाइप के, मतलब एक ही एप्लीकेशन के लिए बिलोंग करते हैं राइट। तो इस तरह को हम लोग बोलते हैं पॉड। अब ये जो पॉड है, जो क्यूबरनेटीज है, वो इस पॉड से हैंडल, पॉड से इंटरेक्ट करता है या पॉड को ही मैनेज करता है बेसिकली। और पॉड के अंदर हमारे कंटेनर इमेजेस रन होते हैं। क्लियर हुआ इतना कि ऊपर से जा रहे हैं? बोलो, क्लियर है इतना था? ओके ओके कूल। तो कंटेनर इमेजेस हो गए, पॉड्स आ गए, पॉड क्लियर हो गया कि कलेक्शन ऑफ कंटेनर्स होता है ठीक है। उसमें भी कैसा, जैसे फ्रंट एंड का ही तीन पार्ट आ गया तो वो हमने एक ही कंटेनर में, एक ही पॉड में डाल दिया, उनका कलेक्शन कुबरनेटिस मैनेज कर रहा है। तो हमेशा याद रखना कि जब हम क्लाउड रन के साथ डील कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो मैनेजेबल यूनिट होता है, सबसे मिनिमम मैनेजेबल यूनिट, वो हमारा होता है कंटेनर इमेज ठीक है। कंटेनर इमेज बेसिकली वो कंटेनर इमेज को मैनेज करता है। बट अगर मैं K8S की बात करूं तो वो पॉड मैनेज करता है। ये पॉड मैनेज क्यों करता है ये मैं बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है देखो, जब तुम कोई भी पॉड डिप्लॉय करते हो, तो मैंने इसके एडवांसमेंट में मैं तुम्हें बताया
कि ये जो नेटवर्किंग वाला पार्ट है या जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वो भी कौन हैंडल करता है? क्यूबरनेटिस हैंडल करता है, राइट? तो अभी देखो, अगर मैं कंटेनर लेवल पे अगर ये चीज करूंगा तो मुझे कंटेनर के अंदर ये चीज डिफाइन करनी पड़ेगी कि ये जो कंटेनर है वो दूसरे किस कंटेनर के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, करेक्ट ना, है ना? बट कुबरनेटिस के अंदर क्या होता है, हमारा जो पर्टिकुलर कंटेनर है, एक कंटेनर दूसरे कंटेनर, बेसिकली ये पॉड है, ठीक है? तो एक पॉड जो है वो दूसरे पॉड से इंटरेक्ट करता है, बट ये जो इंटरेक्शन है, ये जो कम्युनिकेशन है, ये हैंडल करता है क्यूबरनेटिस, राइट? इसीलिए क्या किया उन्होंने कि उन्होंने एक नया टर्मिनोलॉजी लाया, कंटेनर्स को हम कलेक्शन कर देते हैं, या तो वहां पर एक कंटेनर हो या एक से ज्यादा कंटेनर भी हो सकते हैं, उसको पॉड के फॉर्म में डिप्लॉय करते हैं। अब पॉड के फॉर्म में जब हम डिप्लॉय करते हैं तो इसमें दो और चीजें ऐड होती है। पॉड इज नॉट जस्ट कलेक्शन ऑफ कंटेनर्स, जब हम देखते हैं ना इसमें, तो इसमें ये हो गया पॉड, ठीक है? पॉड इज अ कलेक्शन ऑफ कंटेनर्स, यहाँ तक हो गया, ठीक है? तो पॉड जब हम डिप्लॉय करते हैं तो वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, राइट? तो ये जो कम्युनिकेशन का है उसके लिए हमारे पास जो नोड प्लेन होता है, इसमें दो और कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड क्यूबलेट, और सेकेंड कॉम्पोनेंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूब प्रॉक्सी। क्या होता है? क्यूब प्रॉक्सी एंड क्यूबलेट, ये जो दो कंपोनेंट्स हैं उसके थ्रू जो मैनेजेबिलिटी और नेटवर्किंग की जो स्टफ है वो कुबरनेटिस हैंडल करता है अपने कंट्रोल प्लेन और नोड प्लेन के बीच। अब देखो, मैंने बोला ईटीसीडी में हमारा जो स्टेट होता है, जो यूजर ने भेजा है, और करंटली पॉड्स का जो स्टेट है वो क्या है, वो ईटीसीडी के पास स्टोर रहता है, राइट? बट एक बात बताओ, ईटीसीडी एक जस्ट डेटाबेस है। ईटीसीडी क्या है? जस्ट डेटाबेस है, राइट? तो डेटाबेस कहाँ से फेच करेगा डेटा, राइट? उसको कैसे पता चलेगा कि अभी पॉड का डिजायर स्टेट क्या है, पॉड रनिंग स्टेट में है कि नहीं, पॉड में क्या चल रहा है? ये जो सारा इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है हमारा क्यूबलेट। तो क्यूबलेट क्या करता है, ये नोड प्लेन का एक कंपोनेंट है जो क्या करता है, जो भी पॉड्स उसके अंदर रनिंग रहते हैं उनका जो भी स्टेट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, राइट, कि प्रॉपरली चल रहा है, ये रनिंग स्टेट में है, ये सारा जो इंफॉर्मेशन है वो सारा इंफॉर्मेशन ETCD को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? क्यूबलेट करता है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? बोलो। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, क्यूबलेट क्लियर हो गया, राइट? अब क्या है, मैंने बोला कि नेटवर्किंग भी ये हैंडल करते हैं, तो ये पॉड इस पॉड के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, इसके लिए हमें अंडरलाइन में नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, फायरवॉल रूल्स वगैरह बनाने होते हैं, तभी जाके आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, राइट? तो ये जो सारा नेटवर्किंग का स्टफ है, राइट, वो हमारा हैंडल करता है क्यूब प्रॉक्सी। कौन हैंडल करता है? क्यूब प्रॉक्सी। इसके साथ साथ ना तुम्हारे पास बहुत सारे एड ऑन करके फीचर्स भी होते हैं जो तुम ऐड कर सकते हो, जैसे कि तुम्हें अगर ज्यादा इनसाइट चाहिए तो प्रोमीथियस वगैरह इंस्टॉल कर दो, तो वो तुम्हारे लिए और एक्स्ट्रा लॉग्स भेजेगा पर्टिकुलर लोकेशन पे कि हाँ पॉड्स के साथ ये चल रहा है, ये उसका ये लॉग्स आ रहे हैं। वो सारा इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हारा एड ऑन वाला सेक्शन होता है, उसमें तुम जितना चाहो उतना ऐड कर सकते हो। सो दिस इज द बेसिकली आर्किटेक्चर ऑफ Kubernetes, ठीक है, कि Kubernetes एक्चुअल में काम कैसे करता है। इतना क्लियर हुआ? अब एक फ्लो के थ्रू समझते हैं, है ना, कि बेसिकली Kubernetes काम कैसे करता है। सबसे पहले हमारा आ गया यूजर, K8s का यूजर है या फिर डेवलपर है। ये क्या करता है, जो भी YAMLs हो गए या फिर जो kubectl यूटिलिटी क्लाइंट्स के थ्रू जो रिक्वेस्ट है वो किसके पास भेजता है, बताओ, स्टोरी की तरह API सर्वर को, राइट? API सर्वर। अब API सर्वर उस रिक्वेस्ट को कहां भेजता है, कंट्रोलर के पास, कि भाई मुझे अपना यूजर ने ऐसा रिक्वेस्ट किया है, देखिए इसको, है ना? इसके बाद कंट्रोलर क्या करता है,
शेड्यूलर को कमांड देता है कि भाई देखो ये हमें चाहिए, तुम शेड्यूल करो। तो ये शेड्यूलर क्या करता है, पॉड्स डिप्लॉय करता है ना। जो तुम्हारा एप्लीकेशन था उसको डिप्लॉय करने के लिए, जैसे यूजर ने कोई इमेज डिप्लॉय करने बोला है, तो वो इमेज को डिप्लॉय करने के लिए शेड्यूलर जो है वो पॉड बनाएगा। देखियो जब तुम कुबरनेटिस जब हम ट्राई करेंगे ना, तो वहां पर देखना आता है पॉड इनिशियलाइजिंग, ऐसा टाइप का आता है, मतलब लॉग आता है, दिखता है, दिखाऊंगा वो चीज, ठीक है। तो शेड्यूलर क्या है, पॉड डिप्लॉय करेगा। अब इस पॉड डिप्लॉयमेंट के बाद इस पर्टिकुलर पॉड का जो स्टेट रहेगा या फिर जो करंट सिचुएशन रहेगा वो किसके पास रहता है, ईटी सीडी के पास। बेसिकली ये क्या है, एक तरह का डीबी है, डेटाबेस। क्लियर यहां तक है ना, यहां तक क्लियर हो गया। ये हमारा था कंट्रोल प्लेन वाला। अब क्या हुआ कि अब इस ईटीसीडी को हमने बोला कि ये स्टेट रखता है। अब ये स्टेट कहां से मिलेगा, पॉड का स्टेट। तो पॉड का स्टेट मिलने के लिए जो हमारा नोड प्लेन होता है या फिर स्लेव होते हैं, उसके अंदर हमारे पास एक कंपोनेंट अवेलेबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबलेट। क्या बोलते हैं, क्यूबलेट, राइट। ये क्यूबलेट क्या करता है, किसी पर्टिकुलर पॉड का जितना भी इंफॉर्मेशन रहता है, उसका स्टेट क्या है, रनिंग में है, एरर आया है, कुछ जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन ईटीसीडी को प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लियर यहां तक। और इसके बाद एक और चीज आती है कि हमें नेटवर्किंग भी हैंडल करना है दो पॉड्स के बीच, राइट। वो नेटवर्किंग हैंडल करने के लिए हमारे पास एक यूटिलिटी अवेलेबल होती है, दैट इज क्रॉप प्रॉक्सी, ठीक है। तो ये क्यूब प्रॉक्सी क्या करता है, बेसिकली जितने भी नेटवर्किंग स्टफ है दो पॉड्स के बीच वो सारा हैंडल करने का काम कौन करता है, क्यूब प्रॉक्सी। तो इतना क्लियर हो गया। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि इंटरनली क्यूबरनेटिस कैसे काम करता है बताओ, तुम लोग बता पाओगे? यस अभिषेक, पूरा क्लियर है ना कि इंटरनली क्यूबरनेटिस कैसे काम करता है। अब तुम लोगों को मैं बताता कि गूगल या फिर कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर जो है, राइट, उसने क्यूबरनेटिस इतना एडवांस है, इतना अच्छा है, फिर भी इसका मैनेज वर्जन क्यों बनाया है ना। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन अवेलेबल है यहाँ पे कि कैसा होता है, तुम लोग अगर खुद से जाओगे या फिर डेटा सेंटर पे या खुद के लैपटॉप में अगर तुम क्यूबरनेटिस इंस्टॉल कर रहे हो या फिर सेटअप कर रहे हो, राइट, बेसिकली हम मिनी क्यूब सेटअप करते हैं, ठीक है। तो ये ना एक टीडियस टास्क है, मतलब बहुत ह्यूमन एफर्ट्स लगते हैं, प्लस तुम्हें प्रॉपरली कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह अप्लाई करना है, पूरा सेटअप करना, मैनेज करना वगैरह, सारी चीजें तुम खुद हैंडल करते हो। तो यहाँ पर तो ठीक है, अगर मेरे को एक ओपन सोर्स कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करना है, अच्छा क्लस्टर बताना भूल गया, सॉरी। हाँ देखो, बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जब हम क्यूबरनेटिस डिप्लॉय करते हैं, राइट, तो क्यूबरनेटिस जब डिप्लॉय करते हैं तो इसमें हमारा आता है, सबसे पहले क्यूबरनेटिस जब डिप्लॉय करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर होता है। अब क्लस्टर बेसिकली क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया कि जो क्यूबरनेटिस का मिनिमम मैनेजेबल यूनिट जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, पॉड। क्या बोलते हैं, पॉड। पॉड के अंदर क्या रहता है, कलेक्शन ऑफ कंटेनर इमेजेस। तो ये जो पॉड है ये हमारा पॉड हो गया, ठीक है। पॉड के अंदर हमारा क्या रहता है, मतलब पॉड 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 वाले कंपोनेंट में या फिर नोड या नोड प्लेन में हमारे पास क्यूबलेट अवेलेबल रहता है, राइट। क्यूबलेट के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास क्यूब प्रॉक्सी अवेलेबल रहता है, राइट। ये हमारा हो गया स्लेव प्लेन या फिर क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, स्लेव नोड, ठीक है। इसके ऊपर हमारा रहता है मास्टर, मास्टर के भी कंपोनेंट अवेलेबल है, या फिर इसको बोलते हैं कंट्रोल प्लेन, राइट। तो इसके भी कंपोनेंट, कंट्रोलर, एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, राइट, ईटीसीडी, ये सब अवेलेबल है यहाँ पे, राइट। तो जब भी हम लोग क्यूबरनेटिस डिप्लॉय करते हैं तो क्यूबरनेटिस बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर डिप्लॉय होता है। और क्लस्टर में तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइनली बोलूं, कौन कौन सा प्लेन, हमारा नोड प्लेन जहां पर हमारा एक्चुअल एप्लीकेशन डिप्लॉय होता है, और कंट्रोल प्लेन जहां से हम सारी चीजें या फिर जहां से क्यूबरनेटिस सारी चीजें मैनेज करता है, इसको एक साथ हम क्या बोलते हैं,
क्लस्टर बोलते हैं। क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया? बेसिकली क्लस्टर क्या है, तो जब भी तुम क्यूबरनेटीज क्लस्टर डिप्लॉय करते हो, तो जब भी जाओगे जीके में, जैसे कल हम लोग डेमो देखेंगे, तो वहां पर देखना मैं एक क्लस्टर डिप्लॉय करूंगा। अब जब हम क्लस्टर डिप्लॉय कर रहे होते हैं, तो यहाँ हम डिफाइन करते हैं कि कितना नंबर ऑफ सीपीयू मेमोरी वाला मशीन वगैरह चाहिए, जैसा हम लोग कंप्यूट इंजन में करते थे। तो बेसिकली क्या होता है पता है क्या, हम सारा कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे कि चार वर्चुअल सीपीयू और 18 GB ऑफ मेमोरी के साथ हमें बना के दो। तो क्या होता है, क्लस्टर के अंदर ये जो कंपोनेंट्स होते हैं कंट्रोल प्लेन के और नोड प्लेन के, ये सारे कंपोनेंट्स हमारे डिप्लॉय होते हैं अंडर नोड पूल्स। किसके अंदर होते हैं? नोड पूल्स के अंदर। ये नोड पूल भी क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है? तो तुम लोगों को ये समझ में आ गया कि क्लस्टर बेसिकली क्या है, राइट? क्लस्टर बेसिकली क्या है, हमारा एक बड़ा सा ये एरिया है, समझो ये तुम्हारा क्लस्टर है। क्लस्टर के अंदर हमारे पास दो चीजें रहेंगी, एक कंट्रोल प्लेन रहेगा, एक नोड प्लेन रहेगा, राइट? तो कंट्रोल प्लेन में हमारे कंट्रोल करने वाले कंपोनेंट्स आएंगे, नोड प्लेन के अंदर हमारा एक्चुअल एप्लीकेशन होगा, राइट? बट यहां पर मैंने बोला कि जो स्केलिंग वगैरह वाला है या रेप्लिका बनाने वाली जो चीज है, वो भी क्यूबरनेटिस खुद से हैंडल करता है, करेक्ट? तो वो हैंडल करने के लिए हम डिफाइन करते हैं नोड पूल। क्या डिफाइन करते हैं? नोड पूल। ये एक तरह का बोल सकते हो तुम लोग कलेक्शन ऑफ रिसोर्स, अभी नहीं दिमाग में गया होगा, राइट? कलेक्शन ऑफ रिसोर्स बोला मतलब। अब देखो क्या हुआ, ये मेरा मास्टर के कंपोनेंट हो गया, तो मैंने क्या किया, थ्री नोड क्लस्टर बनाया, थ्री नोड क्लस्टर। अब ये थ्री नोड क्लस्टर बोलने का मतलब क्या है मेरा, नोड मतलब रेफरेंस करो तुम लोग वर्चुअल मशीन, नोड मतलब क्या रेफरेंस करो तुम लोग वर्चुअल मशीन, और क्लस्टर मतलब वीएम्स का कलेक्शन होगा, वीएम्स का क्या होगा, कलेक्शन होगा। तो सपोज क्या हुआ, थ्री नोड क्लस्टर मैंने बनाया, इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्लस्टर के अंदर मेरे पास तीन वीएम्स रहेंगे, उन वीएम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड। यहाँ पर थ्री नोड से, ठीक है? हर एक नोड में क्या रहेगा, बेसिकली ऐसा भी होता है कि तुम अगर एक नोड वाला क्लस्टर बनाओगे, तो तुम्हारा मास्टर या फिर कंट्रोल प्लेन प्लस जो नोड प्लेन होता है या फिर स्लेव प्लेन रहता है, वो दोनों एक ही नोड के अंदर रहते हैं। एक ही नोड के अंदर बोलने का मतलब है एक ही वर्चुअल मशीन के अंदर होते हैं, ठीक है? बट अगर मैं एक से ज्यादा नोड प्लेन वाला लेता हूं, मतलब मेरे पास एक से ज्यादा वर्चुअल मशीन्स हैं, तो सपोज ये समझो ये मास्टर रह गया, ठीक है? ये पूरा जो वीएम था इसमें मास्टर के कंपोनेंट्स ही डिप्लॉय हुए हैं, राइट? अब हमारा जो स्लेव है वो इन दोनों में डिप्लॉय होने वाला है, राइट? तो कैसा होगा, यहाँ पर हमारा हो गया स्लेव या नोड प्लेन, ठीक है? ये भी एक तरह का वीएम है, बट इस वीएम के अंदर वर्कलोड सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एक्चुअल जो हमारा एप्लीकेशन है वो हमारे स्लेव में ही डिप्लॉय होता है या फिर हमारे नोड प्लेन पे ही डिप्लॉय होता है, ठीक है? बट ये भी एक तरह का वीएम होता है। अब क्या हुआ, अगर मुझे एक्स्ट्रा रिसोर्स की जरूरत पड़ी, कि मेरे को अगर बोल रखा है कि एट अ टाइम मेरे चार पॉड्स रनिंग स्टेट में होने चाहिए, चार पॉड्स मतलब अगर मैं अभी रेफरेंस करूं फॉर एन एग्जाम्पल कि एक पॉड इज इक्वल टू वन कंटेनर इमेज उसमें डिप्लॉय है या उसमें रनिंग है, ठीक है? ऐसा अपन एज्यूम करते हैं। तो अब क्या हुआ, एट अ टाइम मेरे को बोला इसने कि चार होने चाहिए, चार पॉड एट अ टाइम रनिंग स्टेट में होने चाहिए। अब क्या हुआ, जब इसने अपने जो इस वीएम में, वीएम के अंदर अमाउंट ऑफ मेमोरी और सीपीयू क्या रहता है, लिमिटेड रहता है, राइट? मेमोरी और सीपीयू क्या रहता है, लिमिटेड है ना? ओके, तो अगर क्या हुआ, इसने जब इस पर्टिकुलर नोड में शेड्यूलर ने जब डिप्लॉय करना चाहा चार पॉड, तो यहां पर सिर्फ तीन पॉड ही रनिंग स्टेट में आ पाए, चौथा जो पॉड है उसके लिए रिसोर्स कम पड़ रहा था, राइट? तो क्या करेगा, ये अगला जो पॉड है वो इस पर्टिकुलर नोड में डिप्लॉय होगा। ये भी एक तरह का स्लेव ही है ना, समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरह से अगर मेरे पास जितने रिसोर्सेस मुझे अलोकेट करने हैं उसके बेसिस पे मैं नोड पूल डिफाइन करता हूं, और नोड पूल में बस मैं ये बताता हूं कि कितने नंबर ऑफ नोड चाहिए, मतलब कितने नंबर ऑफ
क्या चाहिए, वर्चुअल मशीन्स चाहिए मुझे जहां पर मेरे रिसोर्स डिप्लॉय होने वाले हैं। क्लियर हुआ ये चीज? यस अभिषेक, है ना। तो अभी क्या हुआ देखो, अगर मैंने थ्री नोड क्लस्टर बना रखा है, थ्री नोड क्लस्टर में पहला आ गया मेरा मास्टर, इसको तो छोड़ ही दो, इसमें मास्टर के कंपोनेंट है। अब आ गया मेरा स्लेव और मैंने नोड पूल बनाया थ्री नोड क्लस्टर, मतलब तीन वर्चुअल मशीन्स रहेंगे उसमें। अब क्या हुआ, इसमें डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया, इसके मेमोरी सीपीयू फुल, इसका भी सीपीयू मेमोरी फुल। अब क्या करूंगा मैं, मेरे को रिसोर्स कम पड़ रहा है, मुझे एरर देगा Kubernetes कि रिसोर्स इनसफिशियंट है, रिसोर्स बढ़ाओ। तो मैं जो मेरा नोड पूल रहेगा, राइट, नोड पूल में पहले मैंने क्या किया था, थ्री नोड डाले थे, राइट। अब इसको मैं बढ़ा दूंगा फोर नोड से, फोर नोड से जैसे ही बनाया, एक और वीएम इसके अंदर ऐड हो जाएगा और फिर जो भी रिसोर्स एक्स्ट्रा पड़ रहे थे वो अब इसमें भी एलोकेट हो सकते हैं, इसमें भी शेड्यूल हो सकते हैं, समझ में आया। और ये होल हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर। क्लियर है ये चीज, यहां तो कोई डाउट है नहीं, कब समझ में आया कि Kubernetes एक्चुअल में काम कैसे करता है और हम कैसे मैनेज करते हैं, राइट। तो अब देखो तुम लोग अगर अपने लोकल एनवायरनमेंट पे क्लस्टर सेटअप करना चाहते हो, अपने लोकल एनवायरनमेंट पे क्या करना चाहते हो, क्लस्टर सेटअप करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? तो क्लस्टर जब तुम सेटअप करोगे तो मे भी हो सकता है तुम्हारे या फिर डेटा सेंटर के अंदर अमाउंट ऑफ मेमोरी और सीपीयू कैसा रहता है, बहुत लिमिटेड रहता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे तुम मैक्सिमम डिफाइन करते हो। तो अगर सपोज देखो ये मेरा था, जैसे पहले ऊपर वाला ही यूज केस लेते हैं, मेरे पास तीन नोड क्लस्टर है, ठीक है, तीन नोड क्लस्टर है मेरे पास। यहाँ पर आ गया हमारा मास्टर, यहाँ पर आ गया स्लेव वन, यहाँ पर आ गया स्लेव टू, ठीक है, स्लेव टू, ठीक है। अब क्या हुआ, मास्टर ने डिप्लॉयमेंट्स किया, हमने अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय किया, इसके मेमोरी और सीपीयू फुल, इसका भी किया, इसका भी मेमोरी और सीपीयू फुल, है ना। अब अगर मुझे और एक्स्ट्रा इसमें नोड ऐड करना है, राइट, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिजिकली एक और सर्वर और मेमोरी वगैरह के साथ लेके आना पड़ेगा और उसको नेटवर्किंग वगैरह कॉन्फ़िगर करके एक नया नोड हमारे नेटवर्क के अंदर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर भी ह्यूमन एफर्ट है, कॉन्फ़िगर करने का पार्ट आ गया। बट अगर यही चीज मैं क्लाउड में करूंगा, मुझे जस्ट नोड पुल का नंबर तीन था, इसको मैं चार करूं, अंडरलाइन जो क्लाउड प्रोवाइडर रहता है वो ऑटोमेटिकली मेरे लिए एक और ऐड करके दे देगा। समझ में आया कितना इजी हो गया, ये फ्लेक्सिबिलिटी नंबर वन हुआ। दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हुई कि अगर तुम खुद के ऑन प्रीमिसेस या खुद के लैपटॉप में ट्राई करना भी मिनी क्यूब इंस्टॉल करने का, कितना ज्यादा ह्यूमन एफर्ट्स लगता है, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी चीजें। बट अगर हम क्लाउड में ये चीज यूज करते हैं ना, जस्ट फ्लू क्लिक 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 और हमारा क्लस्टर अप एंड रनिंग विद इन अ मिनट्स। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हें देता है क्लाउड प्रोवाइडर, कोई भी हो, चाहे वो AWS हो, Kubernetes, Google हो या फिर तुम्हारा Azure। बट Google में ये फीचर बहुत एडवांस है, मतलब बहुत फिजिबल है और बहुत इजी है, और मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं Google के इसी सर्विस को लेवरेज करने के लिए या बिग डेटा सॉल्यूशन को लेवरेज करने के लिए Google के अंदर आते हैं, क्योंकि Google जो है Kubernetes या माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर हो गया सर्वरलेस के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो दिस इज द वे हम जो Kubernetes क्लस्टर है वो प्रेफर करते हैं हमारे क्लाउड प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया तुम लोगों को कि क्यों यूज करते हैं हम लोग, कैसे यूज करते हैं, और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में इसी का मैनेज वर्जन है, दैट इज GKE। तो तुम तुरंत जाके गूगल क्लाउड कंसोल में जाओ, सर्च करो GKE, तुरंत जाओगे, कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन बताओ, कॉन्फ़िगरेशन मतलब नंबर ऑफ नोड्स पुल में, नोड पुल में नोड कितने चाहिए तुम्हें, राइट, तुम्हारे मास्टर का वर्जन क्या होना चाहिए, राइट, और कौन कौन सी, जैसे हम लोग नॉर्मल वीएम बनाते हैं ना, इन द सेम मैनर जाके तुम एक GKE क्लस्टर बना सकते हो। और क्लस्टर बनाने के बाद हमारे पास यूटिलिटीज अवेलेबल है, मैं जस्ट क्या करूंगा, YAMLs के फॉर्म में या फिर kubectl यूटिलिटीज के फॉर्म में मैं API सर्वर को रिक्वेस्ट करूंगा, है ना। और एक मिनट रुको, ठीक है, एक मिनट ना,
बेसिकली क्लियर हो गया तुम लोगों को क्यूबरनेटिस क्या है, कहाँ से आया, क्या प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है, उसका अंडरलाइन आर्किटेक्चर क्या था, राइट, और क्यों हम किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के अंदर हम यूज करते हैं क्यूबरनेटिस। ठीक है, तो जस्ट आज जाना, ट्राई करना मिनी क्यूब इंस्टॉल करने का अपने लोकल एनवायरमेंट में, और वहां तुम देखना वन नोड क्लस्टर तुम्हें डिप्लॉय करना है, राइट, और वहां पर तुम देख पाओगे कि कितना टीडियस टास्क है कोई एक नॉर्मल क्यूबरनेटिस क्लस्टर भी सेटअप करना। और ये चीज तो हो गया जब हम एक क्लस्टर सेटअप कर रहे होते हैं, और डेटा सेंटर्स में सोचो थाउजेंड्स ऑफ क्लस्टर हमें बनाने हैं, हंड्रेड्स ऑफ क्लस्टर हमें बनाने हैं, तो उस केस में कैसे ये चीज मैनेज होती है, तो टीडियस टास्क होता है बहुत, है थोड़ा, है ना, सारी चीजें हैंडल करना वगैरह, रिसोर्स लिमिटेशन भी है वहां पे, इसीलिए हम यूज करते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, अगर तुम लोगों को कोई क्वेश्चन हो सो जस्ट पूछो यार। ऋषभ, हो गया ऋषभ?